हर हर महादेव। देवो के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौर पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। गुरु भाई बहना, वो किसान अपने बेटे का विवाह कर दिए और विवाह के बाद उनका जो बेटा था वो बड़ा था और बेटी बहुत छोटा थी अपने भाई से। विवाह कर दिए, कुछ दिन के बाद गौना कर दिए। लेकिन गुरु भाई बहना, जब गौना किए किसान अपने बेटा को, तो उसकी जो बहू थी, बहू अपना ससुराल आ गई अपने पति के घर। लेकिन तीसरा दिन, ज़्यादा दिन नहीं बता, तीसरा दिन ही किसान का बेटा का अचानक मृत्यु हो गया। ये बेचारी ससुराल आई और विधवा हो गई, नैनवेली दुल्हन विधवा हो गई। बड़ी दुख की बात है गुरु भाई बहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान का मार बड़ी भारी होता है। वो बेचारी जो किसान की बहू थी, वो भगवान की भक्त कर भक्त थी, भगवान की पूजा करती थी, बिना पूजा किए हुए एक दिन भी नहीं रहती थी। गुरु भाई बहना, क्रिया कर्मठ हुआ, वो बेचारी मायके चली गई। लेकिन भगवान की सेवा, भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा, भगवान की पूजा करते ही रह गई। प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर में जाकर भगवान से यही कहती थी, हे भगवान, इतना बड़ा मेरा सजा, आपने मुझे ऐसा क्यों किए? मैं तो आपका भक्त था, शिष्य था, प्रतिदिन भोग लगाता था, प्रतिदिन स्नान करवाता था, भगवान तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? बैठ के सवा घंटा प्रतिदिन रोती थी, लोग सुनते थे, उसके आंखों के आंसू देखकर मोहित हो जाते थे, मायूस हो जाते थे। लेकिन भगवान का दया नहीं लगता था। गुरु भाई बहना, सालों, दो साल, पांच साल बीत गया, लेकिन भगवान का कोई ममता नहीं लगा। एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर कहते हैं, बेटी तू इस दिन मंदिर में आती हो, प्रतिदिन रोती हो, इस पत्थर के सामने रोने से क्या फायदा, तू क्यों रोती हो? बेचारी किसान की जो बहू थी वो कहती है, विधवा स्त्री, माता मैं क्या बताऊं, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने ससुराल गई, मेरा विवाह तो बच्चेपन में हो गया था, वो मुझे याद भी नहीं। लेकिन जब मेरा गौना हुआ, तो गौना के तीन दिन बिता, वो भी दिन बीत नहीं पाया और मैं विधवा हो चुकी हूँ। मेरे पति इस दुनिया से चल बसे, आखिर मेरा क्या गलती, भगवान को क्या किया था मैंने? गुरु भाई बहना, जब माता पार्वती ने ऐसा सुने तो उनका आंखों में आंसू भर गया। ये लड़की कहती है, माता जी आप भी एक स्त्री हैं, क्या आपके साथ ऐसा हो जाता तो आप सह पाते हैं? आपको मेरे लिए कुछ भी दया नहीं आता। माता पार्वती ने उसके आंखों के आंसू पोंछ कर कहते हैं, बेटी कुछ ना कुछ इसका समस्या का हल निकालेंगे, चिंता मत कर। गुरु भाई बहना, वो बेचारी पूजा करके चली गई और रात्रि का समय में उसके पति उसके पास जाने लगे, उसके पास जाने लगे। वो देखी कि अरे मेरे पति मेरे पास आते हैं। वो बेचारी
भी अपने पति को स्वीकार कर ली और उसके पति बोले, किसी से मत कहना, हम तुम्हारे पास तो आ जाते हैं समय बिताने के लिए, लेकिन किसी से मत बताना। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया, सालों बीत गया, वो गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो वो कहती है, पतिदेव जी, जब हम अकेला थे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन हम तो अब गर्भवती रह गए, अब कहाँ बिताएंगे। गुरु भाई बहना, उसके माता पिता का पता चल गया, माता पिता ने उसे घर से निकाल दिए, उसके गांव वालों ने घर से निकाल दिए। बेचारी जाकर शिव मंदिर में ही रहने लगी, शिव मंदिर के पुजारी बन गई और मंदिर में रहने लगी। लेकिन जब नवा महीना बीत गया तो अपने पति से बोलती है, हे पतिदेव जी, मैंने तो अकेला जीवन मंदिर में बिताया, लेकिन मेरा समय नज़दीक आ चुका है, कब मेरा बच्चा जन्म ले लेगा इसका कोई पता नहीं, मैं क्या करूं। गुरु भाई बहन, उसके जो पति थे वो कहने लगे, देखो मैं तो एक छाया के रूप में हूँ, लेकिन मेरा घर चली जा और एक पोहे में दही ले लो, और दही लेकर तू मेरा घर चली जा और मेरे दरवाजा पर दही लेकर बैठ जाना, मेरा घर का पता तो तुम्हें याद है। गुरु भाई बहना, वो लड़की बोली, हाँ मुझे याद है। वो अपना ससुराल दही लेकर चली गई, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही के मही दलदल के पहाड़ एक लात मारे गिरे शहर शहर गुजरा, मेरा दही मीठा ले लो भाई, ले लो बहन, ऐसे कर दे, और चली गई अपने ससुराल के दरवाजा पर बैठ गई। इन्होंने बोल दिया था उसका पति कि मेरा एक छोटा बहन है, वो जो बहन है वो बहुत शरारती है, दही जरूर लेगी, तो शाम हो जाएगा तो बोल देना, माता जी मुझे रात भर रहने दीजिए, सवेरे चले जाएंगे। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, वो दही बेचते चली गई अपने ससुराल के दरवाजा पे बैठ गई, और जाके बैठ के और बोली, बहन जी कोई दही लीजिएगा, माता जी दही लीजिएगा। उसका जो ननद थी वो दौड़ी दौड़ी आई और बोली, अरे दही वाली भाभी मुझे दही दे दो। बिना पैसा के उसे दही दे दी और उसी जगह पे बैठे रह गई। शाम हो गया, कहती है, माता जी क्या आप रात मुझे बिताने देंगे अपने घर में। उसकी सास बोलती है, नहीं नहीं, हम किसी को घर में नहीं रहने देंगे। उसकी ननद कहती, माँ रख लो ना, क्या होगा माँ, ये ग्वालिन भाभी है, माँ रख लो। माँ जिद करके अपना घर लेकर चली गई। गुरु भाई बहन, जब रात्रि हुआ तो उसे दर्द होने लगा। ये कहती है, माँ ग्वालिन भाभी का दर्द हो रहा है, माँ दाई को बुला दो, दाई से बच्चा जन्म हो सकता है, हो जाएगा, दाई को बुला दो, माँ संभाल लेगी दाई। गुरु भाई बहन दाई को बुलाए, बच्चा जन्म ले लिया। और जब बच्चा जन्म ले लिया तो इसका पति ने बताया था कि माँ से मेरा बोलना कि माँ आपका बेटा जब जन्म लिया था तो उसे सोने का जो छुरी था वही छुरी दीजिए, और मेरा नर कटेगा बच्चा का उसी छुरी से। गुरु भाई बहना, जब बच्चा जन्म लिया तो अपने सास से बोलती है, माता जी क्या आपसे हम कुछ मांग सकते हैं। उसकी सास बोली, बोलो क्या मांगना चाहती हो, मांगो। गुरु भाई बहना बोली, माता जी आपका बेटा जन्म लिया था तो वो छुरी तो रखा होगा, वही सोना का छुरी मुझे मेरा बेटा के नर काटने को लिए दीजिए। सास ने गुस्से में आग बबूला होकर कहती है, अरे तू कौन हो और मेरा बेटा को तू कैसे जानती हो, मैं वो छुरी का याद में रखा हूँ, मेरा बेटा ने इस दुनिया से चला गया, मेरा बहू ने मेरा घर छोड़ दिया, वो मायके में रहती है, लेकिन मैं वो छुरी देने वाला नहीं हूँ, मेरा बेटा का वही तो एक याद है, वही तो निशानी है।
गुरु भाई बहना जो छोटी ननद थी इसका, वो बोली माँ क्या होगा दे दो, ग्वालिन भाभी मांग रही है माँ दे दो माँ। गुरु भाई बहना बेचारी सास लाकर दे दी, सोने मुठी से छुरी उसका नर कट गया, छुरी वापस दे दिया दाई ने। और जब रात्रि हुआ बेचारी अपना बहू के समान उसको रखने लगी, कहाँ जाती बच्चे को लेकर। रात्रि हुआ तो जो बच्ची थी वो कहती है ननद कि माँ मैं ग्वालिन भाभी के साथ सोऊं, दाई है माँ उसी कमरा में सोई, मैं भी वहीं पे सोऊंगा। सवेरा हुआ रात्रि हुआ आधी रात, इसका जो पति है वो बाहर दरवाजा पे खड़ी होके और बोला बाबू के माँ खोला के वाड़ी, कौन कौन सोए हैं कौन कौन जागे हैं, का तेल लगता है का तेल जलता है और काची के दीपोर्सी भराता है। गुरु भाई बहना जब ये लड़की इधर से कहती है बाबू के पापा मैं कैसे खोलूं दरवाजा, दरवाजे पे बाबू के दादा सोए हैं, बाबू के दाई सोई हुई है, बाबू के फुआ सोए हुए हैं, बाबू के मम्मी जागी हुई है और बाबू सोया हुआ है, फुलेल तेल लगता है, सरसों तेल जलता है, जीरा जमाइन के बोरसी भराता है, जो ससुराल में मान मिलना चाहिए वही मिला है। वो जो उसका पति था वो लौट गया, ये लड़की थी सवेरे उठकर अपने माँ से बोली माँ यहाँ कोई आता है और बोलता है ऐसे ऐसे, माँ हम ग्वालिन भाभी के साथ नहीं सोएंगे। वो कहती है अरे हम सोएंगे, कौन आएगा देख लेंगे। गुरु भाई बहना दूसरा दिन उसका सास सोई तो फिर वही बात, बाबू के माँ खोलो के बाड़ी, कौन सोया हुआ है कौन जागा है, क्या तेल लगता है क्या तेल जलता है, क्या के बोरसी भराता है, क्या मान मिला है क्या फखाई हो। गुरु भाई बहना जब ये लड़की थी तो बोली कि बाबू के पापा मैं कैसे खोलूं के बाड़ी, बाबू के दरवाजा पे तो बाबू के दादा सोए हैं, सौर में बाबू के दाई सोई है, बाबू के दादी सोए हैं, आज तो दादी भी है, कल खाली फुआ थी आज दादी भी है, और बाबू सोया हुआ है, बाबू की दादी सोई हुई है, बाबू के फुआ सोई हुए, बाबू की दाई सोई हुई है, बाबू की मम्मी जागी हुई है, जीरा जमाइन का बोरसी भराता है, सरसों तेल जलता है, फुलेल तेल लगता है। गुरु भाई बहना ऐसा जब देखी सास सुनी तो अपना पति से बोली, पति उसके कहते हैं कि हम जाग कर देखेंगे कौन रहता है। उसके पति जाग कर देखने लगे, जो लड़का का पिता थे वो जाग कर देखने लगे तो देखते हैं कि आधी रात में और कोई नहीं, उसका बेटा आता है। अपने पत्नी से बोला अरे ये तो कोई और नहीं है, ये तो मेरा बहू है और दरवाजे पे मेरा बेटा आता है। गुरु भाई बहना आपस में दोनों बात किया और बोला कि जो मेरा बेटा आता है तो घर क्यों नहीं आता है, उसे पकड़ना। गुरु भाई बहना जब आधी रात में आया तो उसके पिता ने अखबारी में पकड़ के बोला बेटा घर चलो। बोलते हैं पिताजी ऐसे हम घर नहीं जा सकते, हम ऐसे कैसे घर जा सकते हैं, आपने पुरविला का चुक किया था कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, आपकी बहू एक भगवान की भक्ति करती है पुजारन है इसलिए उसका सुहाग वापस मिला है, आपका एक ही उपाय है पिताजी जो कि आपका बेटा वापस मिल सकता है, आपने जिस दिन छठियारी कीजिएगा 12 दिन पे तो सारी देवी देवताओं का न्योता दीजिएगा और वहां पे शिव गुरु का भी निमंत्रण दीजिएगा, एक महात्मा रूपी बैठे रहेंगे उनका बगल में हम रहेंगे, जब भोजन करके जाने लगेंगे तो पूछेंगे कि कुछ वरदान मांगो हम देना चाहते हैं इनाम में, तो आप बोल दीजिएगा कि इनाम में मुझे कुछ नहीं चाहिए जो आपका बगल में बैठा हुआ है वही चाहिए। गुरु भाई बहन उसके पिता ने सारा लोक का निमंत्रण किए और महादेव का भी निमंत्रण किए, सारा लोग छठियार में आए निमंत्रण में भोजन करने,
महादेव जी भी आए। महादेव जी बैठे थे उनका बगल में, वो ग्वाला का पुत्र बैठा हुआ था। जब भोजन कर लिए सारे लोग चले गए तो महादेव कहते हैं, भोजन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा खाने में, क्या तू कुछ मांगना चाहता है तो मांगो। गुरु भाई बहना, वो जो ग्वाला लड़का का पिता थे वो कहते हैं, बाबा कुछ देना ही है तो मुझे ऐसा चीज दीजिए कि जिसमें मेरा जिंदगी का निशाना रहे। महादेव बोले, मांगो, आपका जो बगल में बैठा हुआ है वही मुझे चाहिए। महादेव जी बोले, हाँ तो कोई नहीं है। नहीं महाराज, आपका बगल में कोई है वही मुझे दे दीजिए। महादेव जी ने उसे हाथ पकड़ के बोले, जा, चली जा, और क्या कर सकते हैं। महादेव जी ने दे दिए, जब दान में दे दिए तो पुत्र उसका वापस अपना पत्नी के पास, अपने माता के पास, पिता के पास चला गया। जब वो लड़की अपने माता को बोला, माँ यदि मैं ग्वालिन भाभी को नहीं रखती तो बताओ आज मेरा घर में भाभी और मेरा घर में भाई और भतीजा नहीं आता। तूने तो डांट फटकार दे रही थी, लेकिन मैंने तो अपने भाई को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे लगता था मेरा भाभी है, क्योंकि मैंने भाभी का साथ 2 दिन वक्त दिया था, इसलिए मुझे पता था कि ये मेरा भाभी है। गुरु भाई बहना, अपने बेटे और बहू को पाकर बड़े खुश हो गए। और ये जो लड़की थी 2 महीना 4 महीना के बाद अपना मायके गई, और मायके जाकर अपना मायके में सारा परिवार को बताई। उसके परिवार जाने तो बहुत खुश हो गए, अपना बेटे और जमाई को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किए। और स्वीकार करके वो भी जो पहले संबंध था वही रख लिए। बेटी का जो गलत साबित किए थे वो अच्छाई में बदल दिए। और गुरु भाई बहना सारा लोग मिलजुल के रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।